नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के मुगल गार्डन कॉलोनी से 21 मार्च को रहस्यमय तरीके से लापता हुई महिला का शव पिपलेड़ा के जंगल से बरामद हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही यह सूचना मृतका के परिवार वालों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में यह सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर रही है। दरअसल मामला मसूरी थाना इलाके के मुगल गार्डन कॉलोनी का है। परिजनों का आरोप है कि 21 मार्च को सुबह घर से बिना बताए रहस्यमय तरीके से 45 वर्षीय महिला रुखसाना परवीन पत्नी सलमू घर से करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 1 लाख के जेवर लेकर गुमशुदा हो गई थी, जिसकी परिवार ने काफी तलाश की पर महिला नहीं मिल पाई। परिजनों का आरोप है कि महिला का दिमागी संतुलन भी सही नहीं चल रहा था, इस लिहाज से महिला को आसपास रिश्तेदारों और काफी तलाश किया गया पर जब महिला नहीं मिल पाई तो महिला के फोटो को सोशल मीडिया पर डालकर महिला की तलाश की गुहार भी लगाई गई थी। लिहाजा परिवार ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में गुमशुदा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में महिला की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जल्द महिला को तलाश करने का आश्वासन भी परिजनों को दिया था। बताया जा रहा है कि ग्रामीण लोगों द्वारा जब जंगल में कार्य करने के जा रहे थे तो तभी एक बोरे में एक महिला का शव जानवर नोच रहे थे। जैसे ही ध्यान से शव को देखा गया तो मृतका की पहचान रुखसाना परवीन के रूप में हुई है और इस मामले की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से शिनाख्त के प्रयास कराकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस बीच पुलिस ने महिला की हत्या का कारण भी परिजनों से जानना चाहा और पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कर रही है। एसएचओ योगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 21 मार्च को 45 वर्षीय महिला रुखसाना परवीन की गुमशुदगी थाने में दर्ज की और बीती रात्रि पिपलेड़ा के जंगल से एक महिला के शव को बरामद होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लिहाजा परिजनों की सूचना के आधार पर मुकदमे को तरमीम किया जा रहा है और जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा।